अभिषेक करे। यो गर्भावसरोत्सवो भगवताम जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुरप्रवेश महिमा संभावितः स्वर्ग भी कल्याणानितितानि पञ्चशततम् कुर्वन्तु ते मंगलम् इत्थं त्रिजिन्मङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्य सम्प्रदम् कल्याणेषु महोत्सवेषुदयस्ति शङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्मात् कामान्विता लक्ष्मीराशे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मङ्गलाष्टके सूत्रम् बिना बजाए बाजे देवताओं के यहाँ बजने लगते हैं, उसी के प्रतीक में भगवान के जन्म कल्याणक के ये बाजे बजाए गए और अब पंचामृत अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निर्जन यही है, त्रैलोक के भविजन को सुख शांति देती स्वामी करु नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरां मम मम तं तं पं जं जं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नप्येच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुधु फुफलार की कही धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रह जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते मणि के जल समल है पीयूषल स्वाद लिए मल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुर्वचन इसके सद रस हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम तं तं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नाली के रसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुधु फुलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम नाली के रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस इक चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन तिद कर्ण साय नम हो। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृवपामीति स्वाहा। कृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर एक रत्नकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हं सं तं पं जाम जाम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृवपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांक किरणों सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ छेद घट से अभिषेक करके मैं काम धेनु सुमांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हं सं तं पं जम जम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। दुग्धाभिषेक अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या थी रोदधि पे हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अब से करके त्रैलोक मंगलमय निश हो के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वं मं हं सं तं पं जं जं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृवपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुगंधनारी नाना
दही का अभिषेक हुआ। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम मम मम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चटनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रहित करो नवन में। ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं वं हं सं तं पं जं जं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह जिनात्मा है मुझे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुषयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशियाउषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चतुष्कोण कलशेन अभिषेकम करोमि अर्घ्यं नृपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन विमिलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ्य सुव्यापा। ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं वं हं सं तं पं जं जं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदना लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम रीम सुमना सुख ओम रीम सुमना सुख प्रदाय पुष्पवृष्टि करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि मंगल आरती दग्ध उज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्प दीपई पात्रार्पित ही प्रतिदिन महता ऋण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना महाराज गम तो विवोर अवतार या मित मंगल आरती ओचरणम। उदक चंदन चंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रह जिनात्मा है मुझे। ओम रीम चंदन विलेपन पुष्प वृष्टि मंगल आरती अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिर चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधा मुसे नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं वं हं सं तं पं जं जं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामि ते स्वाहा। झारी आप में ले लें शांतिधारा, शांतिधारा प्रारंभ हो रही झारी आप में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम रा अस्यावसा नमः। गणनी प्रमुख से ज्ञान चतुर विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती नीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नामकांत कुंद दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री जे के जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र श्री मनीष जैन ऋचा जैन पौत्र रक्षा जैन पौत्री नंदिनी जैन कीर्तंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री सुपचंद श्रीमती क्षमा जैन श्री सुयस जैन श्रीमती नेहा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसु जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शाली जैन लखनऊ श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परवास सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदी बसनापुर
श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती सुति अंकु जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, इंजीनियर सी आर पाटिल देवपुरम मांगीतुंगी, श्री संजय पन्ना लाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्री अभय कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्रीमती सुजाता साहब पुणे निवासी सपरिवार, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धन प्रवचनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान असली कनाट प्लेस नई दिल्ली बड़ी मूर्ति सपरिवार, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोली परिवार हैदराबाद, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशा सिद्धिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा महाराष्ट्र, श्री प्रमोद कुमार जैन बर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विनोद कुमार सेठी परिवार डीमापुर, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वासलाबाद, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स आबड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजु जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेम लता जैन नमन आयुष्य अंशुविकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन सुषमा जैन आशा हर्षी जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन श्री वैभव आकांक्षा जैन क्षितिर प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराजी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन पुत्र बधु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया था विकासपुरी, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वासलाबाद कलकत्ता, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन श्री गौरव नीशु जैन पुनी सूरी जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री तुलसीराम आशा देवी प्रदीप जैन खटेर कलकत्ता, श्री राधेश्याम जैन धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन पुत्र प्रशांत निशा जैन पुनीत अग्रवाल तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र निवासी परिवार, श्रीमती रूपा रारा स्वास लावर अजय रारा गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सी ए पारितोष जैन सुषमा जैन लाजपत नगर न्यू दिल्ली, सौ आशा संपत लाल पाटनी स्वाना प्रदीप पाटनी महाराज जैन बोरीवली मुंबई, सौ ऋतु सन्नी जैन पुत्र सौ लता पंकज जैन पांडे भाई सिद्धांत पांडे सपरिवार मुंबई, श्री पवन कुमार काला आशा काला प्रमोद अजमेरा जागृति अजमेरा सुमित सेठी नेहा सेठी रीवा हरियान हियान बोरीवली मुंबई निवासी सपरिवार, श्रीमती हेमलता जैन परिवार कोटा अयोध्या में 11 रत्न शिलाए प्रदाता सपरिवार, श्री प्रेक्षा जैन IAS इंटरव्यू में सफलता हेतु पुत्री राजेश जैन कोठारी साबला डूंगरपुर जिला राजस्थान निवासी परिवार, श्री पवन कुमार जैन तहसील फतेहपुर, श्री खेमचंद जैन चुच्चू जैन टिकैत नगर बाराबंकी, श्री परमेश जैन टिकैत नगर निवासी परिवार, श्री परमेंद्र जैन निदेश जैन सुयश जैन टिकैत नगर निवासी परिवार, सभी साझेदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार, इलाहाबाद सराय अंकिल निवासी आगत समस्त परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म।
सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्वायु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गर्भयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सर्व सागर नदी जलभयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निगडादि बंधन भयम, दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त बाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच मंत्रडाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चोर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सामुदायिक विद्वेषम, सर्व भैरम, सर्व दुर्विच्छम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आत्मरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व असहा, सर्व पापम, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा सन्मति विदात विद्वान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम आद्या नमादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे रौनाही रत्नपुरी तीर्थ क्षेत्र विसंबत 2549 समय मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ शुक्रवासरे भगवान धर्मनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव शुभ अवसरे विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राजे राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासराव सौगणाम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मत चतुर्भिसंगस्य आरिकाशी चंदनावती माता जी आदि समसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम दुर्प शांति ने सुभिक्षम मनात्मादेम धर्म शुक्ल ध्यानम करो यसाहा करो करो भाग्यम करो करो मतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयाः करो करो सौहाद्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मणम घाते घाते आयुष जागे जागे सौख्यम सारे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांतिराय सर्वभद्र शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मस्कोपरी शांतारम चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी आर्कासी चंदनावती माताजी चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी समर्थ पदाधिकारी सरगणस्य रौनाही कमेटी समर्थ पदाधिकारी सरगणस्य डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन प्रतिष्ठाचार विजय कुमार जैन सपरिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु महामारी निवारणम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा गुरु गुरु बसत स्वाहा। जब लिए धर्मनाथ भगवान की शांतिनाथ भगवान की 108 फीट के ऋषभदेव भगवान की अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान की जय रौनाही में रत्नपुरी में जन्म लेने वाले धर्मनाथ भगवान की भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा आपसे कम करोमी अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर साय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलबल जाऊं मन मस्काय हे करुणा निध भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी दिंग पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्विंद में जलार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फलार्घ्य कही
धवल मंगल गांध भावकुले जिन ग्रह जिन्नाथ महामजे ओम रीम। अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रुले जिन ग्रह जिन्नाथ महामजे ओम रीम। भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि में विराजमान आज जन्म कल्याणक महोत्सव के शुभ अवसर पर अर्घ्यम निरुपामी ती स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी त्रिमणि के धारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी या ते थारी सरनारी। श्री शांतिनिनेशम नुतनक्रेशम ब्रचक्रेशम चक्रेशम हनियचक्रेशम हे गुणदेशम दामदेशम मकरेशम ओम ह्रीम। जम्बुदी विशल हसनापुर में आज वहाँ पर निर्मित भगवान शांतिनाथ के समोषण में विराजमान हसनापुर जम्बुदी विशल पर भगवान शांतिनाथ का 72 फुट ऊँचा बहुत सुंदर समर्षण मंदिर का निर्माण साहू सुभाष चंद जी श्रीमती मंगला साहू जी के सौजन से किया गया था, जिसका आज प्रतिष्ठापना दिवस है यानी माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन आज से 3 साल पूर्व 2020 में वहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव पूर्वक समोषण की स्थापना हुई थी, संपन्न हुआ था। तो समोषण में विराजमान समस्त चतुर्मुखी प्रतिमाओं के चरणों में एवं जितनी भी प्रतिमाएँ समोषण में विराजमान हैं जम्बुदी विशल पर समोषण में उन सभी प्रतिमाओं के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। वसुद्रव समारी त्रिमणिधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम ओम अवतारी करुणाधारी या ते थारी सरनारी। श्री शांति ओम ह्रीम शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीनों भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊ बोधर तार पूजत पाप्यरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम कमल मंदिर जम्बूदी विशल पर कमल मंदिर में विराजमान जम्बूदी विशल पर कमल मंदिर में विराजमान अवगाहना प्रमाण भगवान महावीर स्वामी जिनके आज स्थापना दिवस है उनके चरणारविंद में दिलारघ्यम निरुपामी ती स्वाहा। आज भगवान धर्मनाथ का जन्म कल्याणक भी है दीक्षा कल्याणक भी है। माघ शुक्ल ते रथ दिन जन्म चुरपत किया महोत्सव धन्य नाम रखा श्री धर्म जिनेन्द्र जन्म कल्याण जजे सत इंद्र। ओम ह्रीम माघ शुक्ला त्रयोदश्याम श्री धर्मनाथ जिन जन्म कल्याण काय अर्घ्यम निरुपामी ती स्वाहा। उल्का पात देख वैराग नाग रत्त पालक बड़ भाग्य माघ सुधी तेरस वन साल दीक्षा धरी नमोनत भाल। ओम ह्रीम माघ शुक्ला त्रयोदश्याम श्री धर्मनाथ जिन दीक्षा कल्याण काय अर्घ्यम निरुपामी ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे साधु महामिजे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचाराचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म श्री ज्ञानमती माता जी संघ चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी आप सभी भक्तों को सूचित करना है पूर्व गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी का शाश्वत तीर्थ अयोध्या के नवनिर्माण और विकास की प्रेरणा प्रदान करते हुए पूज्य माता जी को का संघ सहित 31 दिसंबर को मंगल आगमन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पर हुआ है। अयोध्या के निकट ये रत्नपुरी तीर्थ क्षेत्र है जिसका नाम वर्तमान में रौनाही है और इस क्षेत्र पर भगवान धर्मनाथ ने करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व जन्म लिया था। ऐसे तीर्थ पर पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी का कल शाम को मंगल आगमन हुआ। चूँकि आज भगवान धर्मनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव का दिन है तब कल्याणक महोत्सव का दिन है यहीं पर भगवान ने जन्म लिया और यहीं पर भगवान ने धर्मनाथ भगवान ने दीक्षा ग्रहण करके इस धरती को पवित्र किया था करोड़ों वर्ष की पुरानी घटना है। और भी अनेक घटनाएं इस धर्मनाथ भगवान के तीर्थस्थल यानी रतनपुरी से जुड़ी हुई हैं। आगम के अंदर अनेक प्रकरण धर्मनाथ भगवान की जन्मभूमि के संदर्भ में आते हैं। तो पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी की मंगल भावना हुई कि अति निकट में भगवान का जन्म स्थल है वहाँ पर जाकर के भगवान धर्मनाथ के जन्म कल्याण के शुभ अवसर पर सानिध्य प्रदान करें। और कार्यक्रम प्रतिवर्ष यहाँ पर होता है और इस वर्ष पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी का आरिका चंदनामती माता जी का पूरे संघ का
सानिध्य प्राप्त होने से महोत्सव में, इस जन कल्याण महोत्सव में चार चांद लग रहे हैं। तो आज यहाँ पर अभी ये पंचामृत अभिषेक हुआ और प्रतिवर्ष इसी प्रकार से यहाँ पर परंपरा से अभिषेक होता आ रहा है। और इसके बाद जिन भक्तों ने कलश आरक्षित किए हैं भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि में अभिषेक करने के लिए, वे सभी लोग आज यहाँ पर आकर के भी 8:30 बजे के बाद भी यहाँ पर अभिषेक कर सकेंगे। और उसके बाद भोजन के पश्चात 12:15 बजे सामायिक के पश्चात आहारचर्या और सामायिक के बाद 12:15 बजे से धर्म सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें पूज्य चंदनामती माता जी, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के मंगल प्रवचन होंगे और रथ यात्रा की बोलियाँ होंगी और रथ यात्रा निकाली जाएगी। यानी भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव पूरे धूमधाम से, जिस प्रकार से भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए सौधर्म इंद्र स्वर्ग से आते हैं, उसी प्रकार से हमारे स्वर्ग से, यानी वर्तमान का स्वर्ग हमारा भारतवर्ष है, और इस भारतवर्ष के हमारे देखो महाराष्ट्र से हमारे प्रमोद कुमार जी कासलीवाल और अभय कासलीवाल पूरे परिवार से ही सम्यक शिखर की यात्रा करते हुए अयोध्या की यात्रा करने के निमित्त से उनका आना हुआ। और आज उन्हें भी यहाँ भगवान के धर्मनाथ भगवान की जन्मभूमि में भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी के संघपति राजधानी दिल्ली से श्री अनिल कुमार जैन, इन्होंने भी आकर के यहाँ पर भगवान का अभिषेक किया है। और टिकैत नगर के भक्तगण भाई निदेश जैन, परमेंद्र जैन और सुयश जैन और हमारे महमूदाबाद से नीरज जैन, नीरज जैन नाम है ना, हाँ नीरज जैन आए हैं, इन्होंने अभिषेक किया। हमारे औरंगाबाद की वीरांगना महिलाओं ने भी यहाँ पर अभिषेक किया। और अब हम यहीं पर विराम लेकर के और आप सभी को ये प्रेरणा करते हैं कि प्रतिवर्ष भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि में होने वाले इस महोत्सव में अवश्य शामिल होकर के महोत्सव को अपनी गरिमा प्रदान करते रहें और भगवान की जन्मभूमि में किया गया अभिषेक सभी को बहुत ही पुण्य प्रदान करता है। तो आज ये अभिषेक संपन्न हुआ और अब पूर्व चंदनावती माता जी और बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन जैसा प्रतिदिन होता है उसी श्रृंखला में पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री शिव देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री शिव देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। आज धर्मनाथ भगवान का जन कल्याण दिवस है और दीक्षा कल्याण दिवस भी है, मंत्र बनेंगे। ओम ह्रीं धर्म जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। आज जो है हस्तिनापुर में कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी, उनका प्रतिष्ठापना दिवस है, उनका स्मरण करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेश ने नमः। अब हम और आप पर्व की ओर चलेंगे। भगवान शांतिनाथ का समोसरण वहाँ बना हुआ है, उसका भी आज प्रतिष्ठापना दिवस है। ओम ह्रीं समोसरण विभूति सहिताय श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं समोसरण विभूति सहिताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। और आप पर्व की ओर चलेंगे, 16 कारण पर्व का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम आवश्यका परिहाणी भावनाय नमः। ओम ह्रीं अरहम आवश्यका परिहाणी भावनाय नमः। ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय। ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय। उत्तम अकिंचन धर्मांगाय नमः। उत्तम भव्यात्मा उत्तम अकिंचन धर्मांगाय। नवरात्रि पर्व भी आज से प्रारंभ हो गया है, वर्ष में 3 बार आता है ये पर्व भी, भाद्रपद में, माघ में और चैत में।
शुक्ला त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक। ओम ह्रीम अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। ओम ह्रीम अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। पुनः शारदा पक्ष अवंत बनेंगे। ओम ह्रीम श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीम श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। अब हम आपको संक्षेप में धर्मसार भगवान धर्मनाथ भगवान के परिचय की ओर ले चले। भगवान धर्मनाथ ये रत्नपुरी तीर्थ अयोध्या के निकट ही है। ये तीर्थ भी एक अपने आप में महान रत्नपुरी के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त रत्नपुरी इसका नाम है शास्त्रीय। और यहाँ पर कभी महाराजा भानुराज जिनकी राजधानी थी बहुत विशाल और महारानी सुप्रभावती भगवान धर्मनाथ का गर्व कनालक दिवस है वैशाख शुद्धि त्रयोदशी। 6 महीने पहले से ही रत्नपुरी में रत्न की वर्षा का होना पुनः देवों के द्वारा इंद्रों के द्वारा गर्व कनालक महामहोत्सव मनाया जाना उसके बाद आज का दिन है माघ शुद्धि त्रयोदशी। माघ शुद्धि त्रयोदशी को भगवान ने जन्म लिया है। जन्म कनालक में इंद्रों ने आकर के और ऐरावत हाथी पर भगवान को ले भगवान शिशु को विराजमान करके ले जा करके और पांडुक शिला पर सुमेरु पर्वत पर ले जाकर पांडुक शिला पर जन्माभिषेक किया है। ऐसे भगवान और उनका धर्मनाथ ही नाम रखा। ऐसे धर्मनाथ भगवान उनसे पवित्र पावन रत्नपुरी नगरी और भगवान को केवल ज्ञान हुआ है पौष शुक्ला पूर्णिमा और निर्वाण प्राप्त किया जेठ शुद्धि चतुर्थी के दिन। भगवान के शरीर की अवगाहना 180 हाथ स्वर्णिम कांति 10 लाख वर्ष की आयु और वज्र का चिन्ह भगवान का माना गया है। ऐसे धर्मनाथ भगवान जिन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया है सिद्ध पद को प्राप्त किया है। भव्यात्माओं इस तीर्थ के 2 नाम और हैं प्रसिद्धि को प्राप्त रौनाही नौराही। नौराही भी कहते हैं और रौनाही भी कहते हैं। किंवदंती को प्राप्त मैंने सुना हुआ है बचपन से बड़े लोग सुनाया करते थे कि नौराही इसलिए नाम है कि श्री रामचंद्र अयोध्या से वनवास के लिए निकले हैं तो यहाँ तक जो आए अयोध्या से बाहर ही और यहाँ पर नदी के किनारे आकर के ठहरे और प्रजा को ज़बरदस्ती आग्रहपूर्वक सुला दिया बोले सब सो जाओ और स्वयं भी निद्रा की मुद्रा में लेट गए। सब सो गए और आधी रात में वो नाव पर बैठ करके राम लक्ष्मण और सीता नाव पर बैठ करके सरयू पार करके चले गए जनता को छोड़ करके अयोध्या की जनता को रोती हुई जनता को छोड़कर। तो नौ राही नौका से पार हुए इसलिए नौ राही नौका से राह अपने राह रास्ते को पार किया इसलिए नौ राही नाम प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। और रौनाही इसलिए है कि जब श्री राम वनवास के लिए अयोध्या से निकले हैं उस समय जनता अयोध्या की जनता का रुदन रोना इतना अधिक रोना हुआ कि रोते 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 ही जनता यहाँ तक आई थी और रोते रोते ही ज़बरदस्ती श्री राम के आग्रह से वो सो गई थी तो इसका नाम रौनाही भी हो गया। रौनाही रौनाही नौराही ये सब किंवदंती के नाम हैं किंवदंती में सुनने में आए हैं ऐसे ये। लेकिन असली नाम जो है शास्त्रीय नाम रत्नपुरी रत्नगर्भा रत्नपुरी नगरी तीर्थ भगवान के जन कल्याणक दीक्षा कल्याणक से पवित्र तिथि नगरी। और मुझे एक और इतिहास याद आ जाता है जब सन 1950 की बात है मैं घर में ही थी और यहाँ पर जो है भगवान की वेदी बनी थी मंदिर बना था
पंचग्रहण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा था, भगवान का पंचग्रहण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ और वेदी में पर्दा था, वेदी को पर्दा खोल करके और उसमें भगवान विराजमान करने थे, तो पर्दा खोलने की बोली हुई थी। तो मेरे पिताजी शरीर के पिताजी लाला छोटे लाल जी, उन्होंने बोली ले ली और बोली मेरी बेटी मैना पर्दा खोलेगी। और जैसे ही मैंने लमोकानंद पढ़कर पर्दा खोला और ऐसा दिव्य प्रकाश हुआ, ऐसा दिव्य प्रकाश हुआ, कृष्ण भट्टारक देवेंद्र कीर्ति थे, आश्चर्यचकित सारी जनता आश्चर्यचकित, ये क्या हो गया, इतना दिव्य प्रकाश, इतना दिव्य प्रकाश। और पहले हरा हरा प्रकाश निकला वेदी से, फिर एकदम दिव्य प्रकाश, स्वर्णिम दिव्य प्रकाश फैल गया, ऐसा लगा मानो सूर्य उगित हो गया है वेदी के अंदर, ऐसा चमत्कार हुआ था। उस समय सभी ने कहा कि ये बालिका कोई देवी का रूप है क्या है, ऐसा दिव्य प्रकाश और ऐसा पर्दा खोलते ऐसा चमत्कार। तो मेरे मुँह से निकला था भगवान चमत्कारिक है, तीन लोग के नाथ चमत्कारिक हैं, धर्मनाथ भगवान का चमत्कार है। बात यही है, भगवंतों की भक्ति में चमत्कार है, भगवान में चमत्कार तो है ही है। ये धर्मनाथ भगवान बहुत ही चमत्कारिक अस्तित्व पूर्ण है और वेदी भी जो है उनकी जिसमें विराजमान है ये भी अस्तित्व पूर्ण है। कई बार चर्चाएं आती हैं अनेक प्रकार से, तो मैं तो यही कहती हूँ मूल वेदी में जो भगवान विराजमान है कभी उनसे छेड़छाड़ ना करो, उनको अलग ना करो। और ये मूल वेदी जहाँ जो है जैसी ऐसी रहे। अयोध्या में भी भगवान के पांच टोक पुरातन थे जिन पर उनके चरण थे, जब मंदिर बनने को हुए निर्णय हुआ उस जगह बहुत जगह खाली पड़ी थी। मैंने रविंद्र कीर्ति जी को यही कहा, हमारे पहले मोती सार जी भी थे प्रथम पीठाधीश और रविंद्र कीर्ति, मैंने यही कहा, मैंने कहा देखो पुरातन चरणों से उनको एक इंच भी न कहीं सरकाना न इधर की उधर ले जाना, जहाँ की तहाँ विराजमान रहेंगे, वो जहाँ की तहाँ ही विराजमान रहेंगे, आप रत्ती भर उनसे छेड़छाड़ नहीं करना और अपना मंदिर उसको घेर कर बनाओ या उसके बगल में बनाओ जैसा भी संभव हो। अनंतनाथ की टोंक पर और अजितनाथ की टोंक पर मंदिर को बनाया है, तो चरण की जगह चरण है सब जगह, कहीं मंदिर के अंदर ही चरण आ गए हैं, कहीं मंदिर से बाहर हैं, और चरण को सुरक्षित जो कि तो जहाँ की तहाँ रखा है, वो जैसा स्थान जैसा का तैसा जहाँ की तहाँ है। बात यही उसका एक अपना अतिशय होता है, महत्व होता है, महिमा होती है उस स्थान की। ये महत्वपूर्ण विषय मैंने आपको बताया है, हमेशा ध्यान में रखें, पुरातन पुरातत्व से पुरानी मूर्तियों से पुराने चरणों से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उनका इतिहास नहीं बदलना चाहिए, न उन्हें हटाना चाहिए इस मूल स्थान से, न उनका स्थान परिवर्तन करना चाहिए और न उनमें तोड़फोड़ करनी चाहिए, वो जैसे हैं वैसे रखो। आप अपने उसी के पास जो निर्माण करना है उसके पास में, उसके अगल में बगल में आजू में बाजू में चाहे जितना निर्माण करा दो, चाहे जितना कराओ, जीर्णोद्धार विकास कितना भी अधिक हो जाए उतना ही कम है। तो भव्यात्माओं, ये प्राचीन संस्कृति उसकी महिमा। अब हम आपको ले चले संक्षेप में, हमारा जो मूल विषय चल रहा था द्वादशानुप्रेक्षा गौतम स्वामी श्री कुंदकुंद देव की। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम। भव्यात्माओं, भगवान धर्मनाथ ने भी ये वही भूमि है जिस भूमि पर कभी धर्मनाथ भगवान ने शासन किया, राज्य किया है, राज्य संचालन करके बहुत दिनों तक, पुनः विरक्त मना हुए वैराग भावना भाई और अपने पुत्र को राज दे करके और जैनेश्वरी दीक्षा ली है, यहीं पर जैनेश्वरी दीक्षा ली है और वापस भगवान जत तत्व विरहण करके हुए आते हुए यहीं पर आकर शुक्लधान में आरूढ़ होकर के और केवल ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसे भगवान धर्मनाथ, ऐसे बारह भावनाओं का महत्व,
तो उसमें असरण भावना के प्रकरण में मैं आपको ले चलूँ श्री कुंद स्वामी की वाणी की ओर। सम्मतम सन्नानम सच्चारित्तम च सत्तवो चेव चौरो चिट्ठति आदे तम्मा आदाहु मे शरणम। असरण भावना को भाते हुए श्री कुंद देव कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये चार हैं, चार आराधना कहलाती हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये चारों ही आदे चिट्ठदी आत्मा में ही विद्यमान है, आत्मा में रहती हैं। इनके आत्मा को छोड़कर निरंतर नहीं पाई जाएंगी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप आत्मा को छोड़कर अन्यत्र नहीं पाया जाएगा, चेतन में नहीं पाया जाएगा। इसलिए चौरो चिट्ठदी आदे आत्मा भी चारों विराजमान है। तम्हा आदा हूँ मैं शरणम, इसलिए आत्मा ही मेरी शरण है, मैं आत्मा की शरण लेता हूँ। ऐसी आत्मा की चारों आराधना से आराधित आत्मा की शरण लेता हूँ। आत्मा ही शरण भूत है, उसकी शरण लेकर के हम और आप आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। आत्मा की शरण लेंगे तभी आत्मा परमात्मा बनेगी। आत्मा की शरण लेकर ही आत्मा को सिद्धालय तक पहुँचाना है। चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, शुद्ध निश्चय निश्चय आत्मा शरीर में विराजमान होते हुए भगवान आत्मा है, अनंत गुणों का पुंज है और व्यवहार निश्चय संसारी है, अशुद्ध है, कर्मों से लिप्त है और 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते यदि हम और आप थक गए हैं तो अब मोक्ष का पुरुषार्थ करना ही चाहिए। आचार्य श्री सांसार महाराज ने भी कहा था कुंथलगिरी में, मैंने अपने कानों से सुना है, वो कहते थे भैया अगर आप अब थक गए हैं, घबरा गए हैं संसार से, अब ऊब चुके हैं, अब घबरा चुके हैं, तो भगवान की शरण लेकर के और समय दर्शन ज्ञान चरित को धारण करते हुए आत्मा को परमात्मा बनाने के पुरुषार्थ में लगो। आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है चिंतन करो, आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है चिंतन करो, बार बार चिंतन करो। आत्मा ही शरण है और संसार में कोई शरण नहीं है, सभी जीव शरण है, कोई शरण क्या दे सकता है। बात यही है, शरण देने में संसार में कोई भी किसी को शरण नहीं दे सकता। चाहे राजा की शरण में जाओ, चाहे कहीं दुर्ग में छिप जाओ, चाहे कहीं भी, लेकिन मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। जब आयु पूरी होती है शरीर छोड़कर जाना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में चिंतन करना आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है, आत्मा ही मेरे लिए शरण है, यह शरण भावना का चिंतन हमें और आपको प्रतिदिन करते रहना चाहिए। छोटी सी भावना जो बचपन में पढ़ाई जाती थी, दलबल देई देवता मात पिता परिवार, मरती विरिया जीव को कोई न राखन हार। मणिमंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई, छेठाला गार की पंक्ति। तो भव्यात्माओं बात यही है कि हमें और आपको ये चिंतन करना ही चाहिए। और रत्नपुरी तीर्थ, इसका इतिहास और एक जुड़ा हुआ है, बचपन से याद आ जाता है। बचपन में जब मैं छोटी थी और बाहर सब लड़कियों के साथ खेलने के लिए जाना चाहती तो माँ कहती, बेटी खेल कर क्या करेगी, दर्शन कथा पढ़ो, सील कथा पढ़ो। छोटी छोटी पुस्तकें घर में थी, दर्शन कथा सील कथा बड़ी अच्छी लगती थी। उस पर मैंने उपन्यास की शैली में प्रतिज्ञा नाम से पुस्तक भी लिखी है, बहुत सुंदर है, कि एक कन्या मनोवती ने प्रतिज्ञा कर ली थी बचपन में गुरु के पास कि मैं गजमोती चढ़ाकर भगवान के दर्शन करके ही भोजन करूंगी। अब विवाह होने के बाद संकट में आई और ससुराल में बताया नहीं, कई उपवास हो गए, तो उसके भाई ने आकर बताया कि इसका नियम है गजमोती चढ़ाकर ही भोजन करना, तो मैं ले जाऊं पीहर और वहां भोजन करेगी, बता दे आएंगे। तो उसके ससुर ने कोठार की कोठार खोल दिए, बल्लभगढ़ के थे, बोले हमारे यहाँ तो कोठार के कोठार भरे हुए हैं गजमोती के, इसे पहले क्यों न बताया। तो मेरी पुत्र वधु जो है, ये पुत्र वधु बेटी के समान है,
खूब गजमोती चढ़ावे और दर्शन करे। और उसने गजमोती चढ़ा के दर्शन किए भगवान के, पुनः से पिहर आ गई। और इधर गजमोती मालिन ने ले जा कर के, और राजा के दो रानियाँ थी, एक रानी को पहना दिया, तो दूसरी रानी ने अपना अपमान समझा राजा को। जब पता चला तो राजा ने सारे जौहरियों को बुलाया, सभी जौहरियों को, जितने जौहरी थे उसके, और बोले आपके किसके यहाँ गजमोती है। सब ने मना कर दिया, तो उसमें सेठ ने भी मना कर दिया। और कथा लंबी चौड़ी है, आप प्रतिज्ञा पुस्तक पढ़ें, दर्शन कथा पढ़ें, फिर कभी सुनाएंगे। तो बात यही है कि वो पति के अपने पति को, उसके पति को बुधसेन को पिता ने घर से निकाल दिया, और वो अपनी पत्नी को साथ में लेकर के, मनोवती को साथ में लेकर के, और पैदल चलते चलते यहाँ आकर रतनपुरी के बगीचे में ठहरे थे। बगीचे में कई दिन उसके हो गए थे, मनोवती के भोजन नहीं किया था, और पति को बताया भी नहीं था, इतने मैंने भोजन नहीं किया। अकस्मात उसके दर्शन प्रतिज्ञा के प्रभाव से एकदम पैर धसा, शिला दिखी, शिला को हटाया तो एकदम सीढ़ियाँ दिखी, सीढ़ी से उतर कर नीचे जाती है तो दिव्य प्रकाश और दिव्य सुंदर बहुत बड़ा विशाल मंदिर, देवों ने मंदिर बना दिया तलघर में, बहुत सुंदर मंदिर बना दिया। उसने जाकर मंदिर के दर्शन किए, वहाँ गजमोती खूब रखी हुई थी, उसको चढ़ाया, आकर के भोजन किया। ऐसी कथा रत्नपुरी की प्रसिद्ध है, इसलिए भी रत्नपुरी नाम सार्थक है। गजमोती चढ़ाने की प्रथा, मनोवती के दर्शन प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रथा, और वो पवित्र भूमि। मैं बचपन से ही इतिहास दर्शन कथा पढ़ते हुए इतिहास को सुनाती आई हूँ। बात यही है, रत्नपुरी का अपने आप में महत्व है, महिमा है। और ये भगवान का जन्मदिन था, कल भगवान अभिनंदननाथ का जन्मदिन, और दीक्षा कल्याण वहाँ अभिनंदननाथ भगवान के दर्शन करके वहाँ आपसे करा के, और मैंने चिंतन किया कि पास में ही रत्नपुरी है, चलो आज चलें, और कल भगवान की जन्मभूमि में भगवान के जन्म कल्याणक को मना करके, और उनके चरणों का, प्राचीन परंपरा से प्राप्त जो चरण है उनके चरणों का वंदन करें। और जो मूर्ति विराजमान है, जो कि मेरे सामने विराजमान हुई थी जब मैं घर में थी बालिका के रूप में, ऐसे भगवान के भी दर्शन करके आनंद तो होता है, मन प्रसन्न होता है। अभी अयोध्या जाते समय भी दर्शन करके गई थी, और ऐसे तीर्थों का दर्शन करने से जी नहीं भरता है, बार बार दर्शन करने की लालसा भावना जागृत होती है। और जन्म कल्याणक के दिवस जन्मभूमि में भगवान के दर्शन करना, जन्मभूमि में जन्म कल्याणक महोत्सव की क्रिया करना, व्रत विधि करना, भक्ति पाठ आदि करना, उससे तो एक विशेष ही आनंद का अनुभव होता है। तो भव्यात्माओं, ये जन्म भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि, और जहाँ मनोवती के दर्शन प्रतिज्ञा के महत्व से दिव्य मंदिर बन गया था तलघर में, ऐसे उस मंदिर को भी परोक्ष में नमन करते हुए, आज भले वो मंदिर नहीं है लेकिन उसी के प्रतीक में भगवान यहाँ धर्मनाथ विराजमान है, मंदिर है, और भगवान की जन्मभूमि का वंदन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो धर्मनाथ भगवान की जय। धर्मनाथ जिनेन्द्रस्य जन्मभू रत्न निर्मिता रत्नपुरी नाम धेयस्य संज्ञयाद्य सुकीर्तिता। भव्यात्माओं, भारत की धरती पर अनेक प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास जुड़े हैं। प्राचीन इतिहास से आप सबका परिचय हुआ, और अर्वाचीन इतिहास भी यहाँ पर सुंदर रूप में साकार हुआ है। मानस स्तंभ की रचना हुई है, और भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि के सभी कार्यकर्ता जो कार्य को देखते हैं, आने वाले सभी भक्तगण, सबको भगवान धर्मनाथ का आशीर्वाद और पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का आज मंगल आशीर्वाद आप सबको पारस चैनल के माध्यम से भी प्राप्त हो रहा है।
दिन में भी कार्यक्रम रहेंगे, प्रभावना के कार्यक्रम, जन्म कल्याणक के कार्यक्रम। प्रातःकाल की मंगल वेला में सब लोग बोलिएगा एक बार, धर्मनाथ प्रभु का जन्म कल्याण है, धर्मनाथ प्रभु का जन्म कल्याण, रत्नपुरी नगरी में कैसी धूमधाम है।